तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल रिलेटेबल व्यूज। एंड आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज जो कि कल ही रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, ताज़ा खबर, स्टारिंग भुवन बामन लीड रोल्स, ऑल्सो नोन एज बीबी की वाइंस, जिनकी फर्स्ट सीरीज वॉज डिंडोरा एंड दिस इज द सेकेंड सीरीज ताज़ा खबर। सो वॉट इज ताज़ा खबर, लेट्स डिस्कस द स्टोरी ऑफ ताज़ा खबर ब्रीफली। सो द स्टोरी इज अबाउट वसंत गावड़े जो कि मुंबई में ही रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, मॉम एंड डैड है उनके, वो चौल में रहते हैं एंड वो एक सुलभ शौचालय में पैसे कलेक्ट करने का काम करते हैं। ही इज़ नॉट दैट हैप्पी विद हिज लाइफ बिकॉज उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, गर्लफ्रेंड इशूज़, पैसे के इशूज़, बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में एंड वो अभी 25 ईयर्स के होने वाले, तो मिड लाइफ क्राइसिस भी हो ही रहा होगा बेचारे, तो है बहुत सारी इशूज़ चल रहे हैं उनके साथ में। सो कैसे सिर्फ एक छोटे से टर्न ऑफ इवेंट्स के वजह से उनकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, दैट इज़ ताज़ा खबर। और अब ट्रेलर से आपको मोर और लेस स्टोरी का अंदाज़ा लग ही जाएगा। तो स्टोरी इज़ गुड, वेरी गुड बट नॉट एक्सेप्शनल, बट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर, अगर इसकी स्टोरी एक्सेप्शनल नहीं है तो ऐसा क्या है कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ एक्टिंग परफॉर्मेंसेज बाय भुवन बाम एंड ऑल द कास्ट, मतलब सबके परफॉर्मेंसेज वर स्पॉट ऑन, स्पेशली भुवन बाम, मतलब हर एक सीन में जहाँ पे भुवन बाम है यू नो कि मतलब हाँ इसी को देखना है, मतलब आई एम सॉरी टू से दिस बट वो बहुत ओवरशाइन करते हैं सबको, मतलब सब में से आपको एक स्टैंडर्ड परफॉर्मर भुवन बाम ही दिखता है बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आई एम अ फैन बॉय ब्रो, लाइक आई लव भुवन बाम, तो इसीलिए भी मैं पूरे सीरीज में उनको ही देख रहा था, आई रियली एडमायर हिज टैलेंट अ लॉट। So the very first reason was acting performances. The second reason is direction. मतलब 30-30 मिनट के भी properly episodes नहीं है, 6 episodes है, इतने छोटे से time span में भी जो मतलब story develop की है इतने interesting way में और इतने अच्छे emotions show किए हैं ना series में कि मज़ा आ जाती है देख के, मतलब emotions बहुत ही अच्छे से portray किए हैं, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, मतलब जैसे सीन्स हैं जो भी सीन शूट हुए मुंबई वाले, भाई दे आर अमेजिंग, मतलब जितने भी मुंबई कर्ज है वो लोग को ये सीरीज स्पेशली सिनेमाटोग्राफी के लिए ज़रूर पसंद आएगी बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मुंबई कैप्चर हुआ है। सो द थर्ड रीज़न इज़ सिनेमाटोग्राफी, एज आई सेड भाई अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी है। द फोर्थ रीज़न इज़ द विलन, भाई क्या परफॉर्मेंस था यार उनका, मतलब स्टार्टिंग से तो वो थे स्टैंड आउट, मतलब बहुत मजा आ रही थी उनको देख के, बट जो लास्ट एपिसोड का जो लास्ट सीक्वेंस था डूड, आपको डर लगेगा रियलिटी में उनसे, मतलब वो बहुत ज़्यादा मेनिसिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लगता है कि भाई ये इंसान सीरीज में ही ठीक है, ऐसा कोई रियल लाइफ में ना दिखे तो अच्छा है, इतना ज़्यादा मतलब ठंड कर दिया है उसने भुवन बम की भी सीरीज में, मतलब अमेजिंग विलेन यार। और सीरियसली कोई सीरीज तभी ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी जब उसके विलन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आप मिर्ज़ापुर का एग्जांपल ले लो, आप कोई भी सीरीज़ का एग्जांपल ले लो, जब तक विलन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तब तक आपको सीरीज इम्पैक्टफुल लगेगी ही नहीं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट द सीरीज की विलन वॉज वेरी इम्पैक्टफुल। सो दैट्स प्रीटी मच ऑल, इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरी वन, स्पेशली जो भुवन बाम के फैंस है, भाई हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेके देखो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज है, डोंट मिस दिस। ओके सो दैट्स प्रीटी मच ऑल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।